मिला है, जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है हमारी टीम के लिए। किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिन्होंने इस इवेंट को अंजाम दिया, उसमें कल्चरल एकेडमी, पुलिस, इंडियन आर्मी और जितने भी हमारे साथ के सहयोगी रहे हैं, स्पेशली मीडिया, किश्तवाड़ की आवाम और सारे हमारे टूरिस्ट एंटरप्रेन्योर्स, मुझे लगता है एक ह्यूमंगस एफर्ट है। और आज हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया को कि सिंथन एज अ इवेंट वेन्यू, एज अ टूरिज्म हॉटस्पॉट निकल के आगे आने वाला है। और हमारे जितने भी यूथ हैं, जो यंग लोग हैं हमारे किश्तवाड़ के, आज सबने इधर आके टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ को देखा है। ये इलाका कश्मीर के बगल में है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको गर्मी के मौसम में भी बर्फ़ मिलती है, इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं। मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में इट विल बी अ टूरिज़म हॉटस्पॉट आने वाले टाइम के लिए। आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज हमने जो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़, स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, फूड कोर्ट, प्रैक्टिकली हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ इवेंट हमने आज पिछले दो दिन में देखे हैं। और इससे मुझे लगता है कि लोगों की तरफ एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, और हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ कोशिश करेंगे कि इसको कैलेंडर एनुअल इवेंट बनाएं, यानी कि हर साल ये इवेंट हो और इसी महीने या फिर एक दो महीने आगे पीछे होके बेस्ड ऑन द वेदर सूटेबिलिटी, जिससे कि किश्तवाड़ टूरिज्म मैप पे अपनी जो पहचान है वो परमानेंट कर सके। इसको एनुअल कैलेंडर इवेंट बनाने के साथ साथ अभी हम लोग वार्ड वन में भी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं गर्मी में। अभी कुछ दिन पहले बैसाखी में पाडर में भी हमने क्लिफ हैंगर रोड पे एक इवेंट किया था। इस तरह के हमारे जितने भी बिमल नाग है और फार्मर वैली है, काफ़ी सारे हमारे टूरिज्म हॉटस्पॉट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। हर इलाके में हमको लगता है कि बहुत सारा पोटेंशियल है जो अभी दुनिया को दिखाना बाकी है।